इधर उबेदुल्लागंज में बारिश में जान जोखिम में डालकर बच्चे गेट पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जान जोखिम में डालकर डैम पर गेट के ऊपर बच्चे पहुंच रहे हैं। भीमबेटका के आमचा डैम के गेट पर करीब 6 बच्चे पहुंचे। डैम पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। नूरगंज थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें, बारिश में जल स्तर बढ़ गया है, लगातार बारिश हो रही है, और ऐसे में अब बच्चे जान जोखिम में डालकर डैम पर गेट के ऊपर पहुंच रहे हैं। लगातार प्रशासन अलर्ट रहने की चेतावनी दे रहा है सबको, ऐसी जगहों से दूर रहने के लिए अलर्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे डैम के गेट पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कोई हादसा भी हो सकता है। आपको बता दें, इधर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। चलिए इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र चौहान जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में बच्चे डैम के गेट के ऊपर अभी भी मौजूद हैं, सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं है, क्या इस दौरान प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? जी प्रगति, कहीं ना कहीं ये जो बच्चे जो डैम के ऊपर करीब आधा दर्जन से अधिक बच्चे हैं, जो आपको बता दूं कि भीमबेटका के पास का एक आमछा गांव, वहां का ये डैम है, वहां पर जी बच्चे किस तरीके से डैम के गेट के ऊपर मस्ती कर रहे हैं, और प्रशासन के कहीं भी कोई भी अधिकारी जिम्मेदार वहां पर मौजूद नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि कोई बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, और लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लगातार इस तरीके के हादसे भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ पर अलर्ट नहीं है। हालांकि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें अब सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर भी इंसान होता है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके के न जाने कितने जलाशय हैं जहां पर इस तरीके से पर्यटक पहुंचते हैं, और कई बार अब भीमबेटका से लगा हुआ क्षेत्र, रातापानी का जो क्षेत्र लगता है, यहाँ पर कई नदी नाले और झरने जो चल रहे हैं, वहां पर भोपाल से भी दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं, वहां भी सुरक्षा के किसी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं है, जिनसे कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, कलियासोत डैम के भी 13 में से 10 गेट खोले जा चुके हैं, और कई गांव जो है कि जलमग्न होने की स्थिति में है, और प्रशासन ने वहां पर अलर्ट जारी किया है। मंडीदीप में भी बस स्टैंड पर व्यवस्था की गई है, जो जहां पर अगर जल भराव की कोई स्थिति बनती है तो मंडीदीप बस स्टैंड पर उन लोगों को ठहराया जाएगा। प्रशासन भी निचली बस्तियों में जो लगातार ये मुनादी करा रहा है कि वहां जो निचली बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं वो वहां से निकल के सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, क्योंकि 10 गेट कलियासोत के खुले हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मंडीदीप का निचला एरिया जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। प्रगति जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, बारिश के चलते जल स्तर बढ़ गया है, और ऐसे में बच्चे डैम के गेट के ऊपर नजर आ रहे हैं।